नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोहिया वाहनी के राष्ट्रीय सचिव ने की प्रेस वार्ता। जनपद कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोहिया वाहनी राष्ट्रीय सचिव आदर्श दीपक मिश्रा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी चिंतक नेता मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह आजाद भारत के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता माने जाते हैं। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जेल भी गए थे। नेता प्रख्यात समाजवादी चिंतक माने जाते हैं, जो कि देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित भी रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र की राजनीति में रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहकर देश और प्रदेश में अलौकिक कार्य किए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री के दौरान शहीदों के परिवार के साथ अद्वितीय कार्य किया है। जो हमारा सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता था, उसका पार्थिव शरीर उसके ख्याल आता था और राष्ट्रीय सम्मान का अंतिम संस्कार संपन्न होता था। आजाद भारत के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता, समाजवादी चिंतक, आजाद शत्रु माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके कार्यों को कोई भुला नहीं सकता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान देश के सभी नेतागण करते हैं। हमने जनपद हरदोई से एक यात्रा की शुरुआत की थी, प्रदेशव्यापी पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत की थी, कि हमारे नेता, हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से हम अनुरोध करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दिया जाए। इस मांग को लेकर हम जनपद हरदोई से आज के 4 महीने पहले निकले थे। लगभग आज 18वां जनपद आज कन्नौज है, जहां पर हम आपके बीच में आए हैं। माननीय नेताजी ने जो ऐतिहासिक कार्य किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर और अधिवक्ताओं को लेकर, व्यापारियों को लेकर किए थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। देश में किसानों को चुंगी माफ करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। देश में कर्जा माफ करने का काम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने कर्जा माफ करने का काम उत्तर प्रदेश में किया था। दूसरी बात, हमारे जब रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे थे, तो उन्होंने जो बॉर्डर पर हमारे कुछ सैनिक शहीद होते थे, तो पहले उनके घर में कपड़े आया करते थे। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लेने का काम किया था कि उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद में आता था और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता था। और 7.5 लाख रुपया तब माननीय नेताजी ने शहीद परिवार को देने का काम किया था। तो ऐसे महान नेता को हम भुला नहीं सकते, उनके कार्यों को हम भुला नहीं सकते। जिस तरीके से मैं अधिवक्ता भी हूँ, पूरे प्रदेश के हर जनपदों में चैम्बर देने का काम, अधिवक्ताओं को छत देने का काम अगर किसी देश के नेता ने किया है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। आप देखिए, जिस तरीके से वर्तमान सरकार, जब 100 रुपये मेडिकल का उनका स्वास्थ्य विभाग का जो पर्चा बनने का काम होता था, तो माननीय नेताजी ने ही 1 रुपये का। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।